गाइज़ गुड मॉर्निंग वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेल गाइज सो आज की मेरी इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ बेस्ट वे स्टील प्रो पूल डिसएम्बलिंग सो आई ऑलरेडी शेयर बेस्ट वे स्टील प्रो पूल डिस एम्बलिंग लास्ट ईयर सो दिस ईयर दोबारा से आपको ये दिखाने का मकसद ये है तक कि आपको पता लग सके कि हमने सेकेंड ईयर इसको यूज़ किया है और इसको डिसम्बल कैसे किया है सो होप यू गोना लाइक इट जा ए। so guys, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो है इसका फिल्टर को उतारना और फिल्टर को उतारने के बाद उसकी पाइप्स को हमें खोलकर जो सारा पानी है उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है डिस्कार्ड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गंदा हो जाता है और पानी में क्लोरोफाइन होती है जो उस वजह से ये सारा जो पानी है वो किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता है इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको यूज़ करना भी प्लांट्स में या किसी चीज़ के लिए भी हार्मफुल है ये तो पूल को साफ़ करने के, के लिए सबसे पहले इसका जो ये प्रोसीजर है इसमें जो ये सारी आ, काई वगैरह ग्रीनरी जो ये सारा कुछ इकट्ठा हो गया है इसको ब्रश की हेल्प से इसको सारा साफ करना पड़ेगा इसकी अच्छे से मसाज करनी पड़ेगी ताकि वो सारा जो है वो फ्लोट करने लगे और गाइज ये इसका जो है कंटेनर जिसमें हम इसकी क्लोरोफाइन और पीएच बैलेंसिंग और पीएच को मेंटेन करने की जितनी भी सारी मेडिसन्स होती हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं तो एज़ यू कैन सी पूल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था जो पूल है गाइज़ वो मेनली फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक तक यूज़ होता है उसके बाद यूज़ नहीं होता है उसके बाद आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हो जाता है इसका ऐसा कुछ हाल होने का कारण ये भी है कि ये लास्ट टू वीक से यूज़ नहीं हो रहा है लास्ट ईयर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा टाइम के लिए रही थी और ये यूज़ होता रहा स्कूल से जाने के एक दिन पहले तक और इस साल ये पिछले टू वीक से टेन डेज से आई थिंक यूज़ नहीं हुआ है सो यूज़ ना करने के कारण भी इसमें थोड़ा सा पीएच लेवल का प्रॉब्लम हुआ और क्लोरोफाइन मेंटेन भी नहीं हुआ तो इस वजह से बट कोई बात नहीं इसको फिर भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ किया जा सकता है जैसे जैसे कि क्लीनिंग एंड डांसिंग ऐसा सा कुछ हाल होता है शाम के टाइम बिल्कुल ही जो नेचुरल सा है बिल्कुल भी शक्ल के बारह बजे हैं और ये पूल खाली हो गए हैं और साथ में मैंने मशीन लगा दी और मेरे स्टैंड रेडी हैं क्योंकि इसके बाद मुझे अपने जो कपड़े धुल जाएंगे वो सूखने के लिए डालने हैं बट छत के नीचे ताकि रात को अगर बारिश आए तो मेरा काम ना बढ़े दो बजना तो नहीं पाए हाँ जी लड्डू मम्मा नीचे है खाना बना दे सो so गाइज़ आज की डिनर की रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ इतनी मज़ेदार और यम्मी रेसिपी और क्विक रेसिपी है आपने देखा कि हम सुबह से काम में लगे हुए हैं और इस वजह से ज़्यादा कुछ मैं तड़के नहीं लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट प्याज है टमाटर है एवोकाडो है तुरकीला है और ये कंटेनर है जो बीन्स का और उसके अलावा पदीना है जो मुझे माक्सी टाकोस भी बनाने हैं तो ये सब बनाने के लिए मैंने जो बीन्स हैं वो रख दिए हैं गर्म होने के लिए क्योंकि वो रेडी हैं उनका कुछ नहीं करना है मुझे बस बनाना है एक आबो पेस्ट उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा सा मिच्योर सा आवोकाडो चाहिए और उसको मैश करके हम उसका यमी सा एक सालसा बनाएंगे सालसा में ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है करनी हमें क्योंकि आबो का जो अपना ही टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बस उसको मैश करेंगे सॉल्ट पेपर थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे बस ये हमारा सालसा रेडी हो जाएगा आ, ये जो हमारे तुर्कीला है इनको डेकोरेट करेंगे क्योंकि खाने का मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अगर हमने चीज़ को डेकोरेट भी बहुत अच्छे से किया हो तो सो ये हमारे डेकोरेट कर देंगे बीच में इसमें हमने रखना है सालसा जो हमारा बीन्स का है और साथ में साइड में ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सालसा अव लो जी मज़ेदार मुँह च पानी आने वाला जो है प्लेटर मैं तैयार कर देता है देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है बहुत मज़ा आया और इसको खा के उस उसके ऊपर मैंने हलापिनोस भी डाल दी थोड़ा चीज़ भी डाल दिया मतलब कोई ऐसी कसर रहे ना जड़ी आप बाहरों खा दी है क्योंकि मैंने बाहर से भी खाया था और मैंने आपको उसकी वीडियो या कोई चीज़ शेयर नहीं की तो जब मैं वो करूँगी ना तो उसके बाद हस्बैंड ने घर आके कहा कि नहीं घर भी इसको बना के दो क्योंकि मैंने ज्यादा सारी क्वान्टिटी में इसको खाना है सो गाइज डिनर हमारा डन हो गया उसके बाद मैंने जो लॉन्ड्री मशीन लगाई हुई थी अपना लोड उसको मैंने सूखने के लिए डालना है रात को मैं धोती हूँ कपड़े तो थोड़ा मेरे लिए इजी रहता है क्योंकि मैं इसको छत के नीचे रख देती हूँ सूखने के लिए और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इनको उतार के फिर अपनी आयरनिंग वगैरह कर लेती हूँ यहाँ तक तो हो गया हमारा शाम का रूटीन और उसके बाद पूल को हमने सूखने के लिए रख दिया है क्योंकि बाकी का काम हमें कल करना है और हम अब रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए लूना पार्क सो so गाइस सुबह से लेके शाम तक काम करके घर पे उसके बाद जब हम लूना पार्क जाए ना तो बहुत मज़ा आता है यहाँ यूरोप में और इटली में जहाँ पे हम हैं वहाँ पे अगस्त मिड से लेकर सितंबर के मिड तक लूना पार्क लगता है जब बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं उससे पहले तक भी स्कूल शुरू होने के बाद भी वन वीक लगा ही होता है सो ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ये देखिए लूना पार्क और बच्चों के साथ बच्चे बनने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है और अभी आप देखिएगा मैं भी बिल्कुल बच्चों जैसे ही बन गई हूँ क्योंकि मैंने फुल ऑन इन्जॉय किया है चूटे माटे ले तो मैंने भी कसर नहीं छोड़ी मैंने कहा मैं भी चूटे ले रही हैं आज सो मैंने भी बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया ये देखिए तो अगर आप लोग भी मेरी वीडियो को इंजॉय करते हैं तो आपको लाइक ज़रूर करना है सब्सक्राइब करना है अपने कॉमेंट्स छोड़ने हैं और अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी है कोई भी क्वेश्चन है आपको कैरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो मेरा प्रोफाइल है वो मेरे चैनल की तरह ही है बिल्कुल हैश टैग विशलिस्ट विधि और इंडिया से बाहर जो मुझे टिकटॉक पर फॉलो चाहते हैं टिकटॉक पे मेरा प्रोफाइल है निधि वालिया नाइन तो यहाँ पे लूना पार्क पे गाइज हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद हम बच्चों के साथ यहाँ पर अच्छे से खेल के घर वापस चले गए बच्चों ने मुझसे ज्यादा इंजॉय किया क्योंकि मैंने तो कुछ लिमिटेड से ही लिए थे झूले पर बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हर एक वो झूला लिया है जो उनका मन था तो बच्चों को देख के और ज्यादा खुद भी इंजॉय हो जाता है सो गाइज़ यहाँ से लूना पार्क से फ्री होके बस अब घर जाके सो जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट डे का बाकी काम है पूल का वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरी जो ये नेक्स्ट ट्यूसडे को वीडियो आएगी ये वाली और फ्राइडे का जो मेरी वीडियो गाइज आएगी वहाँ ना मैं आपको दिखाऊंगी जो लूना पार्क में हर सिटी में लगते हैं ना उसके बाद किसी एक या दो सिटीज़ में ना जहाँ से वो रिवर निकलती है छोटी सी तो वहाँ पे ना पटाखों का फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम उन्होंने बनाया होता है तो वो एक अलग सिटी में होता है जहाँ ये हम गए थे वहाँ पे नहीं था ये तो मैं आपको ना उसका जो फायरवर्क्स का है प्रोग्राम वो मैं अपनी फ्राइडे की वीडियो में दिखाऊंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ आप उसको भी इंजॉय करेंगे यहाँ पर जो इटली के ऐसे कुछ कल्चर है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के तो मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो बस हम वेट कर रहे हैं जब ये झूला रुकेगा तो ये इसमें भी झूले में भी बैठेंगे मतलब कोई कसर नहीं छड़नी सारे झूल्हे दियाँ टिकटा लेती हैं ना दोनों ने और मैं भी जो ये वाला झूला है ना इसमें मैं अंदर जाके बच्चों के साथ इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वहाँ पे ना एक होती है वो देते हैं खेलने के लिए कि ऊपर से एक टेडी टेडीबियर देते हैं जो कि वो पिक करेगा जो भी उसको एक फ्री राइड मिलेगी तो ये उछल उछल के पैंदे है दोनों इनको टेंशन नहीं होती कि हम गिर जाएंगे तो इस वजह से मैं भी उसके अंदर ही गई ताकि अगर ये उसको पकड़ने की कोशिश भी करें तो ये गिरे ना तो बस यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ये बड़ी प्यारी लग रही थी तो उसके बाद हम घर जाके सो गए और ये है नेक्स्ट डे गाइस सो तो नेक्स्ट डे पे आपको ये इसलिए टू पार्ट्स में मतलब स्टार्टिंग में वीडियोज़ में फिर मुझे ये एंड में इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि उसी टाइम जब आप पूल को करते हैं ना तो आप उसको साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको गीला आपको पूल को नहीं संभाल के रखना है सूखने के बाद संभाल के रखना है तो ये सारी रात सूखा सुबह इसको फिर से हमने थोड़ी धूप लगने दी और उसके बाद ये देखिए इसके फिर हमने लेग्स उतार दिए हैं और इसको इकट्ठा करने के लिए रख दिया है अच्छे से ये सूख गया है नीचे से गाइस आप देख सकते हैं ये कितना गंदा है और इसको साफ करने के लिए मुझे अच्छी तरह पोचे नाले नू रगड़ रगड़ के धोना तो पड़ेगा साफ करना पड़ेगा और फिर मैं आपको ये बिफोर दिखाया ना मैंने आपको अभी मैं इसको आफ्टर दिखाती हूँ तो ये सारा इसका सामान ट्यूब्स लेग्स फिल्टर क्लीनिंग वाला जो बॉक्स सारी चीज़ इसको हम पैक करके रख देंगे हमारे नेक्स्ट ईयर फिर से काम आएगा तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है गाइज अगर आपके पास खुली जगह है तो आप ये बेस्ट वे स्टील प्रो का पूल का जो लेंगे ना तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये दो साल हमने यूज़ कर लिया है और तीसरे साल में यूज़ करने के लिए हमने इसको रख दिया है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए तो ये देखिए ऐसा साफ हो गया और पानी की क्या कंडीशन हुई है अच्छे से बिल्कुल साफ कीजिए और संभाल के रखिए और अपने पैसे सेव कीजिए ताकि बार बार आपको सेम चीज़ ना खरीदनी पड़े जब तक ये टूटेगा नहीं हम इसे यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया इसको साफ़ करने के लिए अब आप आफ्टर देखिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें बाय बाय टेक केयर